डिवाइड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई एक्स माइनस वाई वाइल डिवाइडिंग पॉलिनोमियल्स वी राइट इट इन दिस वे. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज द डिविडेंड, सो वी राइट हियर. एक्स माइनस वाई इज द डिवाइजर, वी राइट हियर. दिस इज आवर स्टेप वन. ओके नेक्स्ट. हियर यू हैव एक्स क्यूब, बिलो दिस ऑल्सो यू शुड ऑल्सो गेट एक्स क्यूब. हियर यू हैव एक्स, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर टू गेट एक्स क्यूब. वेन यू आर मल्टीप्लाइंग टू दिस यू शुड ऑल्सो मल्टीप्लाई टू द अदर टर्म, दैट इज माइनस वाई. सो एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई. यू डोंट हैव एक्स स्क्वायर वाई टर्म हियर, सो आई राइट इट सेपरेटली, माइनस एक्स स्क्वायर वाई. ओके नाउ दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ आवर कोशेंट, सो राइट इट इन द कोशेंट, दैट इज हियर. नाउ चेंज द साइंस. हियर इट इज प्लस, मेक इट माइनस. हियर इट इज माइनस, मेक इट प्लस. सो नाउ दिस कैंसल आउट. नाउ हियर आई राइट इन द डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स. वॉट आई मीन इज फर्स्ट आई राइट एक्स स्क्वायर वाई एंड देन वाई क्यूब. डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स. नेक्स्ट हियर देर इज एक्स स्क्वायर वाई, सो बिलो दिस वी शुड ऑल्सो गेट एक्स स्क्वायर वाई. हियर इट इज एक्स, टू गेट एक्स स्क्वायर वाई दिस शुड बी मल्टीप्लाइड विथ एक्स वाई. वेन आई एम मल्टीप्लाइंग टू दिस आई शुड ऑल्सो मल्टीप्लाई टू द अदर टर्म. सो एक्स वाई इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर वाई. एक्स वाई इंटू माइनस वाई इज माइनस एक्स वाई स्क्वायर. That term is not present here, so I write it separately here, minus x y square. Now this is the second term of the quotient, so write it in the quotient, that is here, plus x y. Now change the signs. Here it is plus, make it minus. Here it is minus, make it plus. Now this cancel out. Again, I do not write this first, I write in the descending powers of x. First this, x y square minus y cube. Now, here there is x y square, so below this I should also get x y square. Here there is x, to get x y square this should be multiplied with y square. When you are multiplying to this, you should also multiply to the other term. So y square times x is x y square. Y square times minus y is minus y cube. Okay, now this is your next term of the quotient. So write it in the quotient, plus y square. Now change the signs. So here it is plus, make it minus. Here it is minus, make it plus. Now this cancel out, this also cancel out, we get zero. Thus this is the remainder and this is our quotient. Am I clear?